पूर्वी दिल्ली नगर निगम में मलबा निस्तारण का काम कर रही सी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का टेंडर रद्द करने की स्थायी समिति की बैठक में मांग की गई है। स्थायी समिति की बैठक में पूर्व महापौर विपिन बिहारी सिंह ने कहा कि जिन शर्तों पर सी एंड डी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी काम कर रही है उससे पूर्वी दिल्ली नगर निगम का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। विपिन बिहारी सिंह ने कहा कि हैरान करने वाली बात यह है कि कंपनी को ऐसी शर्तों पर ठेका दिया गया जिससे निगम का सिर्फ नुकसान है। कंपनी को निगम ने जगह दी और कंपनी को निगम मटेरियल भी पहुंचा रहा है और उस मटेरियल को खरीदने के लिए भी निगम ने ही बात दी है। बिहारी सिंह ने कहा कि इस कंपनी का टेंडर तुरंत रद्द कर ओपन टेंडर निकालना चाहिए ताकि निगम का नुकसान ना हो। इस वेस्ट प्लांट से जो वेस्ट मटेरियल है हमारे जो निकलता है, जो बिल्डिंग से मलबा वगैरह निकलता है उसको वहाँ पर पहुँचाया जाता है और उसे रेत टाइल वगैरह सीएनडी वेस्ट प्लांट से वहाँ बनती है, लेकिन वहाँ मटेरियल पहुँचाने का हम पैसा देते हैं जिसका मैं पूरा ब्यौरा भी आपको बताऊंगा, लेकिन सीएनडी वेस्ट प्लांट से हमको कोई आमदनी नहीं होता है। सीएनडी वेस्ट प्लांट प्राइवेट एजेंसी जो लगा रखी है वो मटेरियल बेचती है और हमारे यहाँ प्रावधान भी ऐसा बनाया हुआ है कि नगर निगम कहीं भी कोई कार्य करती है, कोई रोड बनाती है, कोई बिल्डिंग बनाती है, कोई समुदाय भवन बनाती है, कोई स्कूल बनाती है तो सीएनडी वेस्ट प्लांट से मटेरियल खरीदना ही खरीदना है, दूसरे जगह से मटेरियल नहीं। भले वो मटेरियल गंदा हो, मटेरियल खराब हो, घटिया हो, लेकिन वहाँ से मटेरियल खरीद करके हम वहाँ पर यूज करते हैं, ऐसा हमारे इंजीनियरिंग विभाग में रूल बना हुआ है और उससे हमारी आमदनी कुछ भी नहीं है। वो प्राइवेट एवं प्लांट लगा हुआ है, वो माल बेच रहा है, हम उठा करके देने का भी पैसा दे रहे हैं, ये कौन सा रूल है? जगह भी हमारी है, सारी व्यवस्था हमारी है, तो इसको चेयरमैन साहब हम आग्रह करता हूं इस तरह से जो कि हमारी नगर निगम की स्थिति दयनीय है, हम अपने कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। आज जैसा कि सुनने में आ रहा है हमारे नेता सदन जी, हमारे डिप्टी चेयरमैन सभी ने बताया कि मेट्रो वेस्ट का हम काम दे दिया है जो अभी 2 महीना भी नहीं हुआ, सारे एसकेएमसीजी में शुरू भी नहीं हुआ और पैसे के चलते उसका पेमेंट नहीं हुआ, उसका टिपर हड़ताल में चले गए। मामले में निगम के अधिकारी ने कहा कि सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का टेंडर कुछ महीनों पहले ही खत्म होने वाला है। टेंडर की नई प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, कोशिश की जा रही है कि आगे उसी कंपनी को टेंडर दिया जाए जिसमें निगम को नुकसान ना हो। देखिए जी, हमारे नगर निगम के द्वारा बताते हैं, जैसा कि 2009 में एक टेंडर हुआ था सीएनजी वेस्ट प्लांट लगाने का, जो नगर निगम के द्वारा अपनी जगह में उसको प्लांट को लगवाया गया और प्लांट चल रहा है, उसमें नगर निगम की कोई रेवेन्यू नहीं मिलती और नगर निगम का बहुत ज़्यादा खर्च होता है। पर डे 800 टन मलबा उठ करके वहाँ जाता है और 444 रुपये पर मैट्रिक टन के हिसाब से मलबा का जो उठाता है उसको हम पैसा देते हैं, तो 444 टन मलबा का पर 800 टन अगर मलबा उठता है और 444 रुपये के हिसाब से आप देखेंगे तो 35,000 रुपये पर डे हमारा खर्च होता है और उसमें हमारा रेवेन्यू कुछ नहीं आता। और 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 दिसंबर 2020 तक 1,47,129 टन मलबा वहाँ से उठ गया है, तो उसको अगर अप्लाई करेंगे 444 रुपये से तो 6,53,25,000 रुपये होता है। इतना एमसीडी खर्च कर रही है और एमसीडी का कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। प्राइवेट एजेंसियाँ वो वहाँ पर प्लांट लगा रखी है, वो मलबा बेचती है और देखिए सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि उसमें प्रावधान भी ऐसा दिया गया है कि नगर निगम अगर कुछ भी काम करती है या स्कूल बनाती है, रोड बनाती है, कोई भी ठेका नगर निगम से होता है तो वहाँ सीएनजी वेस्ट प्लांट से हमको मटेरियल लेना ही लेना है, उसकी दुकानदारी भी खरीदना है, पैसे से हम खरीदते हैं, फ्री में हमको नहीं मिलता है और सारा मटेरियल देने का, प्लांट लगाने का, फ्री जगह वहाँ पर मटेरियल वेस्ट मटेरियल पहुँचाने का पैसा हम देते हैं और उसे हमें पैसा खरीदते हैं मटेरियल को, जबकि वो मटेरियल भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि हमको लेना ही लेना है। तो हमने यही आग्रह किया अपने चेयरमैन साहब से, एडिशनल कमिश्नर पांडा जी से कि आप इसको तुरंत इसका टेंडर को निरस्त किया जाए और इसको ओपन टेंडर किया जाए। अब बहुत सारे ऐसा आ गया है जो कि इसमें बहुत लोग ओपन टेंडर में आएंगे और हमको रेवेन्यू भी देंगे और वेस्ट मटेरियल भी अपने से उठाएंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।